जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। Thank you.
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी रियलाइज हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज्ड हुए हैं, जो कि इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ तीन तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊँगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, रियलाइज्ड आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मर्तबा भी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज्ड आदमी की क्या विशेषता है, और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज्ड स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से तीन इस पर मैं बताऊं।
इतना ज़रूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, जहाँ पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसको अभी भूल जाइए। पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए, और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है, जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पर रहते हैं, उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर ज़ोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है, और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही है, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से इस सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास है। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है, और अंदर बाहर हर जगह उसका वास है, और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको कि कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज़ को अर्थ ही दिया है और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ मनोशक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। अब आपका चित्त जो है जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर बुद्धि और मन तीनों में रहता है, और आप खोजते रहते हैं उस चीज़ को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उसे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है, और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त तीन जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप होकर। आप जिन लोगों के हाथ में से झनझन झनझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज़ हमें मिल गई। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज़ इतने सहज में कैसे मिली।
जैसे कि एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं पाते और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज़ आप ही के साथ थी, जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यहीं हीरा गिरा हुआ है और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यहीं है और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया, फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे, आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यहीं था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर रहा था। ये बात वास्तविक हो रही है, जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुँच सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप, हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहाँ पहुँच गए, कैसे हो सकता है चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक, लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ़ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ़ से होती है और समझ में वो होती है जो तकलीफ़ से होती है, ये मानव का स्वभाव है। और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो वो किसी कर्तव्यगारी से पाता है। बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेट दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं समझ, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी भारी चीज़ समझता कि मेरी कमाई, ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति है। लेकिन सहजयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज़ पाने की तो बात ही नहीं, इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा, तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं हैं, एक परमात्मा ही जानता है। लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं और धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आत्मी जब पहले पार होता है तो सिर्फ उसका संस्कार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य जिसे, फिर उसके बाद तो भी वो यहीं रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं। और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा कि उसके सर पे जहाँ पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहाँ फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तुम तो साल ना कालच पार जा रहे थे, अभी आप कल ही पार हुए थे और आपका कैल्सिफिकेशन, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाता है। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाता है और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते हैं, वो कैसे कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ गया, अभी पुष्पा ने मुझे आके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़,
ये पार है, क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग पार होगा उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई। को ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है, और या ये उंगली मेरी पकड़ गई है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा, कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमा खर्च से इस बात का पता नहीं लगा, मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यूँ ही उड़ा रहे। मैंने कहा तुम ही देखो। तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लगी तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रखते देखो, तो नाभि चक्र चल रहा है। अपने अंदर आँख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है। और जब हाथ तुमने उनके ओर किया तो कौन सी उंगली जल रही, ये उंगली जल रही। इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षात, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। तो निर्विवाद ये बात है कि इस पर किताब चाहे कुछ भी लिखे, जिस तरह से जो होता है वैसा ही होता है। अभी कल ज्ञानेश्वर जी को लेकर के एक साहब मुझसे भिड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। ज्ञानेश्वर जी आज होते तो उनसे हम ही बात कर लेते, वो भी खोज रहे थे तरीका किस तरह से बात समझाने का, लेकिन उनको बन नहीं पड़ा। बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से लोगों की अपमृत्यु होने के कारण भी बहुत कुछ गलत फहमियाँ संसार में फैली, और उन्होंने किताब लिख दी, ये दूसरी गलती कर दी, जिस वजह से मैं किताब लिखने से बहुत डरती हूँ। किताब लिखते ही साथ लोग उसको रटना शुरू कर देंगे और उससे भी लोगों पर कंडीशनिंग हो जाए। तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हर मिनट हमें नया एक अनुभव, ये नई चीज़ है, हम नए आदमी, नया ही है सब कुछ, नए से ही जानना है, हम नए होकर के बैठे। जैसे छोटा बच्चा बचपन से एक एक शब्द सुनता है और उसको रट लेता है, एक एक बात देखता है उसको समझ लेता है, इसी तरह से तुम आप लोग जो इस नए लोक में, इस दिव्य लोक में जो आए हुए हैं, तो उसकी दिव्यता को समझना से इसकी दृष्टि और होनी चाहिए। यह बड़ी विशेषता है कि इसका नाम दिव्य लोक रखा है। मैं जाती थी तो इसका नाम पढ़ के मुझे बड़ा लगता था कि किसी बड़े सोचने वाले आदमी ने नाम रखा हुआ, कितना सुंदर नाम दिव्य लोक। मुझे क्या पता था कि परमात्मा सारी व्यवस्था यहीं कर देंगे और भाटिया साहब इतनी मेहरबानी कर देंगे हमारे ऊपर, बहुत ही सुंदर जगह है। तो जिस दिव्य लोक में आप उतरे हुए हैं उसकी दिव्यता को जानने के लिए आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब नवीन नावीन्यपूर्ण है, इसमें सारा ही नवीन अनुभव है। कहीं लिखा हुआ घिसा पिटा जो दूसरों ने अनुभव किया है वो नहीं है, हमें जो अनुभव करने का वो है, इसलिए एकदम नया नूतन। बालक जैसे होता है ऐसे आप एकदम नए स्वरूप में से उतरिए। पहली चीज जरूरी है कि आप इसमें नवीनतम बातों के और ध्यान दें, सब नवीन है। आज तक ऐसा कहीं भी अनुभव किसी ने किया नहीं, इतने जोरों में ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल कभी भी संसार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इस संसार में बहुत बार आ चुकी हूँ और इस कार्य को करने का मैंने बहुत बार प्रयत्न। पहली मर्तबा इस जन्म में ये कार्य सफलीभूत हुआ, इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा अधूरापन जो रह गया है उसको आपको पूरा करना है। आप उसी अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए आए हुए, किसी को आप गिराने या घटाने नहीं आए, लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन रह गया है उसको आप पूरा करने के लिए। अब आप सोचिए कि एक नए जमाने के नए विस्तार के एक नए लोग आप, और सारे संसार के लिए आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतने रियलाइज लोग एक छत के नीचे बैठ करके उस परम शक्ति को पा रहे हैं, कितनी बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर से विशेष रूप से प्रवाहित है और लोगों के अंदर से नहीं है संसार, या आप जानते हैं, उसमें कोई आपको अब शंका नहीं रहेगी। जिनको थोड़ी बहुत शंका है इसका कारण ये कि वो अभी अभी पार हुए, इसलिए थोड़े दिन में उनको भी नहीं रहेगी।
ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझ। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक फोर्थ डायमेंशन आ गया है। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझिए। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट। अब आप देखिए, अगर अपने चित्त की ओर, तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खिंचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं, जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते, उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप खींच भी सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है, या इसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर ही खींच। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखें, आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज़ की ओर जा भी सकता है और वहाँ से लौट भी आ सकता है। ख्याल करें आप, देखिए हमारा चित्त किसी वस्तु मात्र पे गया। जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप उससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहाँ तक चाहे उसको पहुँचा सकते हैं। पर आप पूरे समाये हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींचा, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है, वो अंदर है। और उसका जो रिएक्शन है, वो अवेयरनेस है, चेतना, वो जाती है किसी चीज़ पे चित्त से और लौटा। इसी से आप डिटैचमेंट सीखें। किसी चीज़ से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी बात, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आई, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं आ रही। रिचार्ज करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस करें। आदमी है सब चीज़ों से, सब सर्वधन संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीज़ों के और देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है, उसके और अपना चित्त डालिए। और जैसे उसके और आप चित्त डालेंगे, आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता हूँ। इसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार के और वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होने। इसको समझ लें। पहले आप विचारों से किसी चीज़ को जब देखते थे, तो आप जैसे यहाँ से कोई चीज़ चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहे। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव हैं पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इसी तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़ा। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहाँ तक गया और फिर आप उसको वापस लें। यह आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद हमें आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्तवृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं कर खूब सारा आपने यहाँ फैला दी,
बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज़्यादा हो गया, फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़ और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज़ है, ये भी कुछ है, माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विशेष संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ, कहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा नहीं होगा तो, बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात पूछो, उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। तो ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज्ड है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से, आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेष बात। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल ना कपट ना कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात, और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं तो शान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया, और ना ही कोई उसमें उसने बड़ाई ज़्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहा। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है, जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती है, फिर उसको पकड़ लेती है, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने का, इसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं, आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें, और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त वहाँ जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं था। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमाग ही जमा खर्च, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है या किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से हंसें, ऐसी कोई भी बात नहीं जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है, और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, कोने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है, शुरू शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा कपड़ा लगा करके धीरे धीरे सीखती, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना सीख, उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है, उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिर, फिर जो इविल करके जो चीज़ है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहाँ रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज़। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे।
तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुँचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहाँ वहाँ खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का दिन। अब अपने आप से हाथ से चीज़ जा रही है, पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार हो जाता है। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते हैं, माता जी हमारे कर्म के फल है आप क्या ले लीजिएगा, हमने कहाँ ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज़। तो अगर आपके कर्मों के फल आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई कुछ तकलीफ हो गई तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते, लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चले गए। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे, वो तो यहाँ से भाग खड़े हुए माता जी की वजह से चाहे शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं, आप पार भी हो गए तो भी अभी ये गंदगी निकलेगी कैसे। इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं, कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज़ हैं, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का, आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं, कितने बड़े कार्य में लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर यह अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने, लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहज योग का है, वो अपने आप छूट जाता है वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहाँ कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती है, ना हाथ पकड़ती, हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ ना कोई दोष आ गया, ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए और नहीं घुले तो वो भाग जाए, ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले, उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज़ करके जो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फ़ोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं उसके मामले में। आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते, लेकिन रियलाइज़ आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालने चाहिए।
उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन सिखा सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा, एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ था। पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसे छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे, फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाती है, परफेक्ट नॉलेज आ जाए। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज़ अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधा ही सारा की सारा रिकॉर्ड हो, क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उन पे भूत की बाधा थी और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया और उसके बाद में कहने लगी इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आया आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत ज़ोरों में और वो एकदम ठंड। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है, तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, उसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपने ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, आपने देखा आप शरद हैं, हम कहते हैं शरद काफ़ी ऊँचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊँचे हैं, ये ऊँचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए, यानी उनके नाम लो सो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस चीज़ का नाम लेंगे, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते। शरद ने अभी पकड़ लिया था बुरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था, ठीक है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं इसकी हालत हो रही, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान, उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं ये लोग सब जानते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट तरह तरह, इसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकता है। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियाँ जलने लगती थी, तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज हैं तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठ गए, उनकी उंगलियाँ जो जल करके छोटी छोटी हो गई, उनमें क्यूरेटिव पावर्स तो आ गए थे लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियाँ क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियाँ जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं, अब बेचारों को पता ही नहीं था मुंबई शहर में वो अब आते ही नहीं आते क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते उनके आज बहुत ज़्यादा जलते होंगे, अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा कर के वहाँ बैठ गए, विशाल गढ़ा रहते हाँ वहाँ जा के बैठ गए और वो पानी में बैठे रहते हैं, क्योंकि सर अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे हैं, कोई हर नहीं, इस तरह से निकाल डालो अपने हाथ बचाओ। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे कि वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, माता जी इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप इसको सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है, आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत ज़रूरी है
कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखो। हमारा तो आप पर सबसे हाथ है ही, हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीज़ों पर मत सोच। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है। कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताए, अभी पाटिल साहब आए वो मुझे बता रहे हैं, इधर लेडीज में है कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखें, जानें इस चीज़ को। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई थी करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचाए। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिंता लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई भी आए उसको तड़ा तड़ मारते थे। कोई अगर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम बाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे, तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो आए उसको चिमटे से मारे, जिसको देखो उसको, मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे तो मैंने कभी चिमटे उमटे से मारे इनके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियाँ ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियाँ आप ठीक करते हैं, कितने ही तरह की बाधाओं को आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया हुआ। ज़रूरी है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज, उसका भी दवा खाना है, आपका भी दवा खाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है, तो डरने की ऐसी कोई बात। फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में हैं। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन जन्म नहीं ले पाते क्योंकि उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज़ नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान चेक किया है, कुछ किया है इस तरह के, इससे फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं, तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो हैं उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कहती है, उनको छेड़ो नहीं। अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत नहीं घुस सकते, क्योंकि अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं, भूत नहीं होंगे तो संत आ जाएंगे, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों पे संत भी उतरे, उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाएं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी, इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने की हमें खास दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे मिलने की ज़रूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा जहाँ, वो चार साल आएंगे नहीं छः साल आएंगे, वो दस साल भी आए कोई है उनसे भिन्ना आ रहे हैं, बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है, जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार और डावा डोल चल रहा है उससे भिड़ने की ज़रूरत है। ये आज आपको मैं एक सीक्रेट बताऊँ, उन पे भी संत ही लोग काम करते हैं क्योंकि बगैर उससे काम नहीं बन रहा। भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संत ही लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इस पर कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे। वो आपको किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में, जैसे ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे अच्छा, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज़्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले। उन पर एक दूसरे संत आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर, फिर उसके बाद में वो ज़रा कुछ बेचारे चक्कर में फंस गए कि वहाँ पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए,
उनको संतों ही के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सड़ेगी, क्योंकि संत किसी को सताते नहीं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद करें, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको सुना, आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, उस डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्रॉफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से, आपको इस बागीचे को कैसे आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना, वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाए, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपने जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता है और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार को भी मिलना चाहिए, हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार को भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में सीखी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हों उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए, जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत और ना किसी से आप पैसा, पैसे के मामले में पढ़िए ना। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ज़मीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार ना करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए, फिर आप सब्जी बेच रहे हैं, ये सब धंधे करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल हो गया, वो आश्रम में गए 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा, फर्नीचर बनाने का क्या आश्रम में काम करने का होता है, अक्ल लगाइए आप, मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखेगा श्यामा सारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग आप लोग कोई विशेष काम के लिए, आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सौलभ है। और कुछ समय ध्यान में बैठते हैं,
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।